मोटिवेट होके मत जाना, समझदार होके जाना। यहां तक आए हो तो समझदारी की बात समझना, मोटिवेशन में कुछ नहीं रखा, ये तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। समझना इस बिजनेस की गहराई को, इसकी डेप्थ को, इसके पोटेंशियल को, या आने वाली दुनिया को, आने वाली अपॉर्चुनिटी को, वेलनेस इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, बेरोजगारी की समस्या को, बीमारी की समस्या को समझना। क्योंकि जब आप समझ जाओगे, जब आप खुद समझ जाओगे, तो दुनिया में कोई आपको समझा नहीं पाएगा। खुद समझना जरूरी है, किसी के समझाने से इंसान नहीं समझता। बात समझ आ रही है? आज ये जितने भी लोग बाजार में ऑब्जेक्शन करते हैं, आप लोग मेहनत करते हो, काम करते हो, लोग कहते अरे किस कंपनी में टाइल रहा है, घूम रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, क्यों? क्योंकि सबको दर्द है। अगर आप उनसे बोलो बॉम्बे मजदूरी करने जा रहा हूं, वेरी गुड शाबाश, ट्रेन में छोड़ने चलता हूं, है ना। बोलो दिल्ली में एक नौकरी मिली है, नौकरी करने जा रहा हूं, अरे बहुत बढ़िया, चल बैठ मेरी मोटरसाइकिल पे, छोड़ के आता हूं। क्योंकि उनके माइंड में सिर्फ तुम नौकर हो और मजदूर हो। जिस दिन तुम मालिक बनने की बात करते हो, अरबपति बनने की बात करते हो, हजम नहीं कर पाते, और ये वो लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपने वो सोच लिया जो उनके खानदान में किसी ने नहीं सोचा। और दोस्तों, किसी ने कहा है इंसान जैसा सोचता है वैसा एक दिन जरूर होता है। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। अगर वो मेरा डेडिकेशन देखेंगे, मेरी मेहनत देखेंगे, मेरी ईमानदारी देखेंगे, मेरी नेक नियत देखेंगे, 24 घंटे मेरा समर्पण देखेंगे, मेरा पागलपन देखेंगे, तो साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, एक ना एक दिन परमात्मा को मेरा साथ देना ही पड़ेगा।